सो नॉर्मल एंड सेपरेबल एक्सटेंशन से ही टॉपिक चल रहे हैं और इसके बीच सब टॉपिक ऐसी डिस्कस कर रहे हैं द फाइनाइट फील्ड्स। सो इसके बीच अगली थ्योरम जेडी है लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड देन वी हैव टू प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज ए प्राइम नंबर पी एंड एफ कंटेन्स ए सब फील्ड एफ पी दिस इज द नोटेशन फॉर द सब प्राइम फील्ड एफ पी विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड बाई पी And secondly, we have to prove the number of elements of f is p raised to power n for some positive integer n. This is a very, very important result which is given in the second part. We will discuss it later on when we discuss its proof. So firstly, we will do the proof of the first part. We have to prove here that jd f the characteristic hai, kyunki f given a finite field. F the characteristic ek prime number hoegi, say the prime number p. And we have to prove that f contains a subfield. जेड़ा एफ है उदे कोल एक सब फील्ड होएगा विद सेम करैक्टरिस्टिक और जे जो एफ दी करैक्टरिस्टिक सीगी ओही प्राइम पी लेके असी जेड बाय पी बनाया और एफ पी उदे आइसोमॉर्फिक होए तो ये दो गल्लां असी प्रूफ करनी है फर्स्ट पार्ट दे विच। सो डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट प्रूफ ऑफ वन विल फॉलो यूजिंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो एवरी फील्ड हैज करैक्टरिस्टिक आइदर जीरो और इनफाइनाइट आइदर जीरो और यू कैन से इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक और डज नॉट एग्जिस्ट और प्राइम नंबर या एग्जिस्ट नहीं करेगी जो एग्जिस्ट करेगी तो प्राइम नंबर और फाइनाइट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट ही होती है तो इसका मतलब फाइनाइट फील्ड ऑलवेज हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ए प्राइम नंबर से पी क्योंकि ये रिजल्ट सानू यही फोर्स कर रहे हैं कि फाइनाइट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी वो करेगी जो एग्जिस्ट करेगी तो ये आउट हो गया तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की रहेगी प्राइम नंबर एंड वी हैव सपोज द कैरेक्टरिस्टिक द प्राइम नंबर इज पी And another result, every field F contains a prime field, namely the intersection of the family of its subfields. The harek field ko lik prime field hundi hoi hundi hai, jedi ki ede family of subfields di intersection karke ban. Kyunki prime field ho wali hai, jisdi koi further subfield nahi ban sakti. Taasi ki kita, jinniya bhi ho niya proper subfields hai, hona saare di intersection karti. Obviously, hun ode vich koi proper subfield contain nahi hoga. Ta ek prime field hogi. इंटरसेक्शन करके सारियां सब फील्ड्स दी ते हुण अगली चीज यह प्रूफ करनी रह गई कि यह जिहड़ा सब फील्ड असीं कंस्ट्रक्ट कीता है जेड बाय पी दे आइसोमॉर्फिक है तां उह इत्थों फॉलो कर गया जो लास्ट लैक्चर च थ्योरम डिस्कस हुई है कि जिहड़ी प्राइम फील्ड है वह आइसोमॉर्फिक होएगी या रैशनल दे या फिर जेड बाय पी दे बट रैशनल तो इनफाइनाइट है बट एफ साडे कोल की गिवन है फाइनाइट तो एफ फाइनाइट फील्ड है इज ए फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी और एदे कोल एक सब फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एंड वी डिनोट इट बाय एफ पी जेडी की प्राइम सब फील्ड है जो असीं पिछे डिस्कस कीता कि बनानी है इंटरसेक्शन करके एंड ऑबवियसली क्योंकि एफ फाइनाइट है तो एफ का जिहड़ा प्राइम फील्ड है वो या रैशनल दे आइसोमॉर्फिक हो सकता है या जेड बाय पी बट फाइनाइट होने करके रैशनल वाली ऑप्शन आउट हो जाएगी एंड वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन That is Z by P. Therefore, we have the subfield FP, which is isomorphic to Z by P. Now, moving on to the second part, the number of elements of F is P raised to power n for some positive integer. Jede field de vich elements di ginti hundi hai, jekar field finite hai, ode elements di ginti jedi hai, wo single prime power n de barabar hoegi hamesha. For example, if I am saying you that is there a field with 10 elements, then your answer will be no, because 10 can't be written in the power of a single prime. To write 10, we need two primes, 2 and 5. So there is no finite field with order 10. But if you are saying that there's a field with 8 elements, yes, it is possible because 8 can be written in the power of a single prime. 2 raised to power 3. एक सिंगल प्राइम ही यूज होता है 8 की फैक्टराइजेशन दे विच तो यस 8 एलिमेंट्स वाली एक फील्ड साडे कोल फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी बट 10 एलिमेंट्स वाली नहीं एग्जिस्ट करेगी कहने का मतलब यह है जेडे भी नेचुरल नंबर्स दे विच दो प्राइम्स यूज हो जाएंगे जिसकी फैक्टराइजेशन दे विच उस ऑर्डर की कदे भी फाइनाइट फील्ड नहीं होएगी फाइनाइट फील्ड का हमेशा जो ऑर्डर है वो एक सिंगल प्राइम की पावर दे विच होता है तो कई बार एग्जाम्स दे विच एक क्वेश्चन पुट किया जाता है यही शॉर्ट नोट बन के आ जाता है make a field with 10 elements so you say there does not exist any field with 10 elements because it is not of the form p raised to power n you can only construct a field with the number of elements
which can be written in the form p raised to power n. Now the proof. To prove second, we regard F as a vector space of over its prime field Fp. ਉਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Fp ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ F ਦਾ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ F ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ Fp. ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Fp ਇਹਦਾ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ Fp ਦੇ ਓਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਓਵਰ Fp ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ F ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ F ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆਲਵੇਸ ਹੈਵ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ e1 e2 en ਬੀ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ F ਓਵਰ Fp, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ e1 e2 ਸੋ 1 en ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ F ਓਵਰ Fp. ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਹੈ F ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਲਈਏ X ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ F, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਸ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ X ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ, e1 e2 en ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ F. ਸੋ ਐਨੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ F ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ e1 e2 small en, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਓਵਰ Fp. ਦੇਅਰਫੋਰ ਦ ਸਕੇਲਰਸ ਦ a1 a2 an ਮਸਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ Fp. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Fp ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, Fp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ p, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ Fp ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਸੀਗਾ Z/P, ਔਰ Z/P ਦੇ ਵਿੱਚ p ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ Fp ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ? p ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ F ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ Fp ਦੇ ਵਿੱਚ p ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ F ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ a1 ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? p ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ. a2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ p ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, an ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ p ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ a1 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ p ਵੈਲਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, an ਦੀਆਂ ਵੀ p ਵੈਲਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਈਚ ai ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਰ x ਕੈਨ ਬੀ ਚੂਜ਼ਨ ਇਨ p ਵੇਸ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ a1 a2 an p ਵੇਸ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ x ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? p ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ? n ਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ n ਸਕੇਲਰਸ ਹੈ. ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n. ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ x ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਇਹ x ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਦਾ ਸੀਗਾ? f ਦਾ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀਆਂ p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਵੈਲਿਊਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ. ਹੈਂਸ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ f ਇਜ਼ ਦਸ p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਕਿ f ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ f ਦਾ, ਉਹ ਹੈ p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n. ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ p ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? n ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ f ਓਵਰ fp. ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ. ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ f. ਜਿਹੜਾ ਇਹ p ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ. ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ fp ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਬ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਸੀਗਾ? Z/P ਦੇ. ਫਰੋਮ ਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਰਾਈਵਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ. ਔਰ fp ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? f. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ fp Z/P ਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ p ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ Z/P ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ p ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੀ p ਹੋ ਗਈ. ਔਰ ਜੇ ਲੋਅਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ fp ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ p ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੀ ਫਿਰ p ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡ. ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਏ ਗੈਲਵਾ ਫੀਲਡ. ਗੈਲਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਲਵਾ ਫੀਲਡ. ਅ ਗੈਲਵਾ ਫੀਲਡ ਵਿਦ p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ gfpn.
So we can write the Galois field with this notation also. That means simply you can say a finite field can be written like this also. GFPN. GF means Galois field, and P raised to power n, that is the number of elements in that field. So this is just a another name for the finite field. Now the next theorem, any finite field F with P raised to power n elements is the splitting field of x raised to power pn minus x belonging to FPX. FP jd notation hai, you have to remember it. It will be the notation of the prime subfield. Jo F the prime subfield hai, yodhi notation hai hamesha. The F field da naam ho gaya, aur suffix de vich jada P paya, it is justifying that it is isomorphic to Z by P. So you have to remember this notation from now onwards. FP means the prime subfield of F with characteristic P. So finite field F de vich P raised to power n elements hai, and we have to prove that this finite field is the splitting field of this polynomial. And consequently, any two finite fields with P raised to power n elements are isomorphic. This point is very, very important. कि अगर कोई दो finite fields हैं, जिना दे विच same number of elements हैं, then वो दोवें जिनियां finite fields हैं, वो कोई अलग-अलग नहीं होंगियां, बल्कि they are isomorphic. और you can alternatively say that there exists only a one finite field of one order, of the same order. इक्को ही order दी साथे कोल इक्को ही finite field हो सकती है, दो अलग-अलग नहीं हो सकती है. And जे वो शक्ल वाइज होना दे elements देखन वो अलग-अलग होंगे भी, but उना दे विच की होएगी isomorphism होएगी. That means कहने का मतलब है, if you are saying that you have a finite field with eight elements and another one also has a finite field with eight elements, then these two finite fields with eight elements are not different. But will they will be isomorphic. एहो जिया कोई दो different नहीं exist कर दिया, बल्कि एक कोई order दिया जे कोई दो तुसी कह रहे हो है गया साथे कोल, वो isomorphic ही होन गया. So this is the result of this theorem. And the second thing जेडी है वो ये कह रहे हैं कि जेडी finite field है वो इस polynomial की splitting field है. तो it means अगर ऐसी finite field के elements कुछ find करने है गया हैं, तो इस polynomial को solve करके ऐसी find कर सकते हैं. जो भी इस polynomial दे roots आएंगे, they will be the elements of the finite field F. इस polynomial दिए है splitting field. So now moving on to the proof. In the finite field F with P raised to power n elements, the non-zero elements form a multiplicative group of order Pn minus 1. Because the field structure suggests that it is a group under addition as well as it is a group under multiplication. But whenever we consider it as a group under multiplication, we have to consider only non-zero elements. Because for the element 0, we do not have a multiplicative inverse. So whenever we say that a field is a multiplicative group, then always we talk about only non-zero elements. So it is a field, so it is a group under addition, it is a group under multiplication, but only with non-zero elements. So if a field has P raised to power n elements, then zero element nu bar kar do, the non-zero elements kinne ho gaye apne kol P raised to power n minus 1. So we are saying that non-zero elements form a multiplicative group of order Pn minus 1. And now we are aware from the group theory that if we take an element from a group and make its power equals to order of the group, tasi ki kita F de vichon lambda ek element choose kita jehda ki non-zero hai, ta ure non-zero elements di hi gal ho rahi hai, that's why we are taking lambda non-zero. And non-zero elements da group jehda hai, oh kinne order da hai? P raised to power n minus 1. Ta assi element di power group da order kar ditti. And this result will be equal to the identity or multiplicative identity article 1 hundi hai. So that means you have lambda raised to power pn is equals to lambda. But agar lambda equals to 0 hove bhi, hale ta non-zero di gal ho rahi si, but agar lambda equal to 0 bhi hove, taami saade kol ye true hoegi. You can say lambda nu agar assi 0 substitute kariye, you will get 0 equals to 0. The non-zero elements bhi is cheez nu satisfy karde hain, aur 0 element hai jehda वो भी इस चीज़ नू सेटिस्फाई कर रहा है का। ता इट मींस फील्ड दे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स भी इस नू सेटिस्फाई कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट है जेड़ा वो भी नू सेटिस्फाई कर दिया था, मतलब फील्ड दे सारे एलिमेंट्स यानी कितने एलिमेंट्स P raised to power n एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन यू कैन से, क्योंकि अगर असि आ चीज लिखी है इसमें असि अल्टरनेटिवली कह सकते हैं
इक्वेशन बन गई जी, ए रूट्स जिहड़े हैगे ने उह फील्ड दे एलीमेंट्स होंगे, जिहड़े लैम्डाज हैं उह इस इक्वेशन दे रूट्स होंगे। जो अभी लैमडा पुट करते हैं एक्स नू, दैन ए चीज इक्वल टू जीरो आ रही है। सो यू कैन से ऑल द पी रेस टू पावर एन एलीमेंट्स ऑफ एफ सैटिस्फाई द इक्वेशन। बट इस इक्वेशन के किन्ने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? यू कैन सी इस इक्वेशन की डिग्री है पी रेस टू पावर एन, और ए मैक्सिमम रूट्स किन्ने हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट मैक्सिमम रूट्स किन्ने हो सकते हैं, ऑब्वियसली पी रेस टू पावर एन। बट असी की कह रहे हैं फील्ड के सारे एलीमेंट्स ही इन सैटिस्फाई करी जाते हैं, फील्ड के विच भी p रेस टू पावर n एलीमेंट्स हैं और इसके मैक्सिमम रूट्स भी p रेस टू पावर n हैगे। सो इट फॉलोज दैट f कोइंसाइड्स विद द सेट ऑफ द रूट्स ऑफ x pn माइनस x इक्वल टू 0। तो इहदा मतलब है जिहड़ा साडा ये फाइनाइट फील्ड है वह इहदे रूट्स के सैट नाल कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड का मतलब कि जो इहदे रूट्स हैं उही f दे एलीमेंट्स हैं, होर कोई एक्स्ट्रा एलीमेंट f दे विच नहीं हैगा, या तुसीं इह भी कह सकते हो ना ही इहदे कोल कोई होर एक्स्ट्रा रूट हैगा। सारे दे सारे जिहड़े इहदे रूट्स हैं उही f दे एलीमेंट्स हैं और f दे सारे एलीमेंट्स इहदे रूट्स हैं। तो इट मीनस f दे एलीमेंट्स तुसीं कह सकते हो इस इक्वेशन दे रूट्स नूं सॉल्व करके भी असीं बना सकते हो। सो इथों ये चीज तो प्रूव होगी कि जे f दा f सैट इहदे रूट्स नाल कोइंसाइड कर गया तो f इस पॉलीनोमियल का की हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड। नाउ सेकंड पॉइंट जिहड़ा असीं प्रूव करना सीगा कि कोई दो फाइनाइट फील्ड्स जिसके सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स होन वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ई ते एफ दो फाइनाइट फील्ड्स असी लै लिया जिन्हां दे विच पी रेस टू पावर एन एलीमेंट्स हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट नाउ ई एंड एफ आर आइसोमॉर्फिक। तो अगर ई दे विच पी रेस टू पावर एन एलीमेंट्स हैं तो हुनी जो फॉर्मूला थानू लास्ट स्लाइड दे विच मैं शो किया सीगा कि जिहड़ा बेस दे विच पी हैगा वो की होएगा ई दे प्राइम फील्ड की करैक्टरिस्टिक, और इसे तरह एफ का भी क्योंकि यही ऑर्डर है तो एफ दे भी प्राइम फील्ड की करैक्टरिस्टिक यही सेम पी होएगी। सो ई एंड एफ कंटेन्स सब फील्ड ई पी एंड एफ पी, क्योंकि पी जिहड़ा हैगा दोवां लई सेम है तो इस दे लई असीं प्राइम फील्ड लिखी है ई पी और इहदे लई असीं प्राइम फील्ड लिखी है एफ पी। बट क्योंकि प्राइम सेम है सो इस करके ई पी भी जेड बाय पी दे आइसोमॉर्फिक होएगा और एफ पी भी जेड बाय पी दे आइसोमॉर्फिक होएगा। दैट मीनस ई पी एंड एफ पी आर आइसोमॉर्फिक। तो हुण अगर ई पी ते एफ पी दोवें आइसोमॉर्फिक हैं ते ए वाली जिहड़ी पॉलीनोमियल है ये असी क्वेश्चन दे विच उन्हें कहा सी ना बिलोंग्स टू एफ पी कंसीडर करनी है, तो इट मीनस यू कैन नाउ कंसीडर द सेम पॉलीनोमियल ओवर एफ पी एज वेल एज ओवर ई पी, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग दिस पॉलीनोमियल ओवर एफ पी देन इट्स स्प्लिटिंग फील्ड विल बी एफ, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग दिस एज ए पॉलीनोमियल ओवर ई पी देन इट्स स्प्लिटिंग फील्ड विल बी ई। तो इको ही पॉलीनोमियल दिया दो स्प्लिटिंग फील्ड्स हो गई, बट ये पॉलीनोमियल जिहड़ी फील्ड दे उपर असी कंसीडर कर रहे हैं वह तो आइसोमॉर्फिक है, असी इहनू चाहे ई पी दे ओवर अगर कंसीडर कर रहे हैं चाहे इहनू ओवर एफ पी दे कंसीडर कर रहे हैं, बट ये दोवें तो डिफरेंट नहीं ना है, ये दोवें तो सेम है, ई पी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ पी। तो इट मीनस पॉलीनोमियल इको ही फील्ड के उपर कंसीडर हुई है, बट उस फील्ड उस पॉलीनोमियल दी दो स्प्लिटिंग फील्ड असी कही जा रहे हैं, एक ई है और एक एफ है। तो जदों पॉलीनोमियल इको ही फील्ड के उपर बनाई हो और ओदियां दो स्प्लिटिंग फील्ड्स होन तां असीं प्रूफ कीता सीगा स्प्लिटिंग फील्ड वाले टॉपिक्स यूनिकनेस ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तां इक्को ही पॉलीनोमियल दीआं जे दो स्प्लिटिंग फील्ड्स होणगीआं दैन ओह तां फिर आइसोमॉर्फिक ही हुंदीआं ने, तां इस करके ई मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू एफ एंड वी हैव टू प्रूफ दिस। सो ए थ्योरम ए जस्टिफाई करदी है कि साडे कोल फील्ड दे एलीमेंट्स नूं फाइंड करन लई हमेशा असीं इस पॉलीनोमियल नूं सॉल्व करिया करना है। जो भी सानू फील्ड का ऑर्डर दिता है, जे मान लो फील्ड का ऑर्डर 8 दिता है तो असी x की पावर 8 माइनस x ए पॉलीनोमियल नू सॉल्व करा करांगे, एंड वी विल कंसीडर दिस पॉलीनोमियल ओवर जो भी प्राइम हैगा। 8 दे लई केड़ा प्राइम हैगा? 8 इज 2 रेस टू पावर 3, तो असी इस पॉलीनोमियल नू कंसीडर कर लिया करना ओवर एफ टू, और यू कैन से वी विल कंसीडर इट ओवर जेड बाय 2। तो इन जेड बाय 2 के उपर कंसीडर करके इस पॉलीनोमियल के रूट्स असी फाइंड कर लिया करने हैं, और उही रूट्स जिहड़े हैगे ने उह फील्ड के एलीमेंट्स होणगे। अगर फील्ड फाइनाइट फील्ड सानू कंस्ट्रक्ट करने वास्ते आउंदी है तो असी इस पॉलीनोमियल दे रूट्स नू सॉल्व करके फाइनाइट फील्ड अपनी फाइंड कर लिया करनी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम।